हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो सीरीज़ में हम वर्डप्रेस के ग्लोबल वेरिएबल के बारे में सीख रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको डॉलर पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल वर्डप्रेस का है उसके बारे में बताऊँगा। इससे आप सिंगल पोस्ट के डिटेल गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख आपको चेक कर लेना है कि कौन सा थीम आपका एक्टिवेट है। मेरे केस में बेस थीम एक्टिवेट है जो मैंने कस्टम बना रखा है। आप चाहे तो आपके जो भी सिस्टम में प्रोजेक्ट में जो भी थीम एक्टिवेट हो उसमें आप सिंगल डॉट पी एच पी फाइल को ओपन कर लेंगे। तो मेरे प्रोजेक्ट में बेस थीम के अंदर सिंगल डॉट पी एच पी मैंने ओपन कर लिया। इसमें मैं ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल कीवर्ड के साथ मैं डॉलर पोस्ट को यहाँ पे कॉल करूँगा और यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो इसे प्री फॉर्मेट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं प्रिंट आर का यूज करके डॉलर पोस्ट को मैं एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो चलिए अपने पोस्ट पे चलते हैं। पोस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया और इसमें मैं एक इसे व्यू कर देता हूँ और एक एडिट करके आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या डिटेल है। फ्रेंड्स देख सकते हैं इसकी पोस्ट आईडी 46 है, इसमें पोस्ट टाइटल पोस्ट 9 लिखा हुआ है, ये कंटेंट आ रहा है। तो मैं इधर आता हूँ, इस पर देखिए फ्रेंड्स इसके डिटेल आ गए। ये आईडी इसकी 46 है, ऑथर की आईडी है और इसके बाद ये कंटेंट आपको दिख रहा होगा। पोस्ट का टाइटल यहाँ से आप देख सकते हैं पोस्ट 9 है। अगर आपको इसके टाइटल को एक्सेस करना है तो यहाँ सिंपल पोस्ट आईडी यूज कर लेंगे। ये 46 आपको मिल गया इस तरह से पोस्ट की आईडी। इसी तरह से आपको पोस्ट टाइटल चाहिए तो पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल इसको आप इको करा के यहाँ से देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स से पोस्ट 9 आ गया। इस तरह से आप गेट पोस्ट का यूज कर सकते हैं अगर पोस्ट की डिटेल लेनी हो तो इस ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि दो तरीके से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आप यहाँ चाहे तो इस तरह से अभी डॉलर ग्लोबल ग्लोबल्स के साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। आप इसे हटा भी देंगे तो इससे ग्लोबल के साथ एक्सेस हो चुका होगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक कस्टम पेज बनाता हूँ, उसकी आपको डिटेल गेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बैक गया, एक टेम्पलेट पेज बना देता हूँ। इसी में फाइल नेम में मैं ले लिखता हूँ टेम्पलेट। सैंपल नाम दे देता हूँ इसको सैंपल डॉट पी एच पी। यहाँ पे मैं टेम्पलेट नेम मैं इसका दे देता हूँ सैंपल पेज, ठीक है। और यहाँ से मैं डॉलर पोस्ट वेरिएबल को मैं इको करूँगा, प्रिंट आर कर देता हूँ प्रिंट आर।
और मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कोई दूसरा पेज यूज कर लेता हूँ, उसी में मैं कॉल सैंपल पेज को ही से ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैं टेम्पलेट वो चूज कर लूँगा जो मैंने बनाया था। यहाँ पे पेज एट्रीब्यूट में क्लिक करना है आपको, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट की जगह पे मैं सैम्पल पेज चूज कर लूँगा और यहाँ से अपडेट कर दूँगा। और इस पेज को मैं व्यू कर लेता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा यहाँ पे आ चुका होगा टेम्पलेट का। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको मैं प्री फॉर्मेट कर लेता हूँ तो आपको सही से दिखेगा। अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंटेंट है और यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं इसे एक बार हेडर फुटर को कॉल कर देता हूँ। गेट हेडर से ये हेडर टेम्पलेट को कॉल कर लेगा, और यहाँ पे मैं गेट फुटर लिख देता हूँ। फुटर के लिए गेट फुटर, और यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हेडर फुटर आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी आ गया, ऑथर आ गया। इस तरह से आप कॉल कर सकते हैं इसे। इस तरह से आप देख सकते हैं, चाहे तो इसे इस तरह भी कॉल कर सकते हैं, ग्लोबल पोस्ट। और यहाँ से मैं ग्लोबल पोस्ट कॉल कर लूँगा। दोनों सेम है, दो तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। वीडियो देख